हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं रजत भाटी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब व्लॉगिंग चैनल पे। आज हम घूमने जा रहे हैं अपने वही पुराने मित्रों के संग जिनका नाम है पंकज भाई तेनाल अमित नागपाल। चलिए आपको इनके भी दर्शन कराते हैं। हम रुके थे फ्रेंड्स यहाँ पे दंगड़ी के पास में। यहाँ पे हमारे नोन भाई हैं, इन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है साथ में कार एसेसरीज का, और साथ में ये यूज्ड कार का भी बिजनेस करते हैं सेल परचेज का। मैं गाड़ियों की भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीछे देख ही सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं। ये खड़ी कर रखी है इन्होंने सेल के लिए गाड़ियाँ, और ये है इनका ऑफिस रॉयल कार एसेसरीज। नंबर भी मिल गया आपको, एड्रेस भी मिल गया। तो अगर आपका प्लान है कोई भी एसेसरीज वगैरह बढ़िया एकदम कम से कम रेट पे और जेन्युइन एसेसरीज, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। गाड़ी रिलेटेड हो या टू व्हीलर से रिलेटेड हो, आप विजिट करके एक बार देख सकते हैं। अगर आपके यूज़ की हो तो आप ले सकते हैं, बाकी अगर कोई यूज्ड कार के लिए भी करना चाहता है प्लान तो देख ही सकते हैं। 5-6 गाड़ियाँ भी फ़िलहाल खड़ी भी हैं, तो अगर किसी का प्लान है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी भाई का नंबर डाल दूँगा, आप एक बार इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि छोटा सा नाला बह रहा है यहाँ पे ब्यास नदी में। ये पूरा आप जितना भी ग्राउंड देख रहे हैं ये सारा बारिश के टाइम पे पूरा भरा हुआ था, देख सकते हैं आप। गोकुल मिष्ठान करके जगह है नादौन में, वहाँ पे आ चुके हैं। जो नादौन से उनको वैसे पता ही होगा, बस स्टैंड से बाहर निकलते ही आपको इंद्रपाल चौक के सामने मिल जाती है, बड़ी फेमस स्वीट शॉप है। यहाँ पे आप जो मर्जी आइए, चाइनीज़ खाइए, खाना खाइए, या जो भी आपकी इच्छा है स्वीट लीजिए, बहुत अल्टीमेट तो और बिल्कुल जेन्युइन प्राइसेस पे। और मतलब मेरे को तो स्पॉट बड़ा पसंद है ये फाइनली, और लास्ट टाइम मैं पंकु भाई अमित भाई को भी लेके आया था, इनको बड़ा पसंद है, तो आज भी इधर ही बैठे हैं खाने। और आज हमने ऑर्डर क्या किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या ऑर्डर किया। ये देखिए 2 प्लेट छोले भटूरे ये खा रहे पंकु भाई, और ये महाराजी खा रहे हैं, महाराजी खा रहे हैं दोपहर को पनीर परांठे। पनीर परांठे, चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। गोकुल मिष्ठान बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, और ये है इनका स्नैक्स का काउंटर। भाई कैसा था? यू लाइक इट? बहुत अच्छा था। और ये है इनकी शॉप यहाँ पे गोकुल मिष्ठान, वो रहा बस स्टैंड, ये है इंद्रपाल चौक। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं एक सुजानपुर से पीछे जैसा एक पुल है, बहुत बढ़िया सा पुराना वायर्ड पुल लोहे का, हल्का सा पतला सा। मैं दिखाता हूँ आपको व्यू, देखिए नीचे देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है नज़ारा। और ये है वो पुल, मतलब ये जो आप पीछे देख रहे हैं बड़े वाला पुल, ये तो अभी कुछ टाइम पहले ही बन गया रेडी हुआ, उससे पहले ये जो नीचे पुल है यहीं से ही आया जाया करते थे लोग। मतलब ये वैसे बाइक्स वगैरह के लिए तो फिर भी कैपेबल था पुल, बट गाड़ियों के लिए मेरे को आइडिया नहीं क्योंकि मैं बड़ी पहले आया था, जब आज से तकरीबन 7-8 साल पहले आया था मैं बहुत पहले, तो उस टाइम तक तो मतलब गाड़ियों के लिए तो ये पुल बिल्कुल भी नहीं था, और गाड़ियाँ वगैरह अगर आप ले आनी पड़ती थी, देख सकते हैं आप भाई। नसीड़ी चल प्रतीत हो रहा है ना कुछ अजीब सा। अभी चल के आओ, चलो बोला चलो, थोड़ा सा बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है ना। वो तो होना ही है। You like it? भाई साहब दूजा ही डर लग रहा है। ये देखिए
ओ भाई भागो मत यार, क्या बंदे हैं। खुद तो भागे निकल गए। इतना ही लाया पुल को यार, भाई साहब बड़ा डर लग रहा है, अभी भी ला रहे। भाई मत लाओ यार। मैं भाई मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा नहीं, मैं आपकी बनाऊंगा। दो बंदे पुली लाते हुए हमें भी दिखाना है। चलो वे कितना स्विंग है इसका, भाई साहब बड़ा डर लग रहा था इसको क्रॉस करते हुए। तो चलिए दोस्तों, तो निकलते हैं अभी हम भी घर की तरफ। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा किस तरह का रहा वीडियो, कैसी लगी आपको, क्या क्या मुझे चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या क्या अपडेट करना चाहिए। ज़रूर आप मेरे को राय भी दे सकते हैं आपकी अपनी, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और आपको और ढेर सारा कंटेंट मिलता रहेगा, बढ़िया बढ़िया। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों।